हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि कली वाले लहंगे की कटिंग कैसे करनी है। सो, ऐसे हमारा कपड़ा होगा, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। जितनी आपकी मतलब हाइट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये नॉर्मली होता है 44 इंचीज़ का, उसके अकॉर्डिंग जितनी आपने रखनी है यहाँ से, अपनी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप पहले पूरे ही कपड़े की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी 36 इंचीज़ है, तो 36 इंचीज़ आप कपड़ा रखेंगे, बाकी का आप निकाल देंगे, जो कि आप बेल्ट वगैरह के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं। नाउ नॉर्मली हम रखते हैं टोटल नंबर ऑफ कलीज कितनी होती हैं, 14। फॉर एग्जाम्पल आपका वेस्ट साइज जो है वो है 28, मेरा 28 है, और आपको घेरा रखना है 140 इंचीज़ का, जो कि 3.6 मीटर का घेरा बन जाता है, वो इनफ होता है नॉर्मल लहंगों के लिए। अब अगर आप चाहें तो इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अपर जो मेजरमेंट है, यानी कि जो वेस्ट की जगह पे जो कली आएगी उसकी मेजरमेंट आपको कैसे लेनी है, जो आपका वेस्ट साइज है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ कली से प्लस 0.5 इंचीज़ आपको ऐड करना है, जो कि मार्जिन होगा जो सिलाई के अंदर आ जाता है। ऐसे ही आप लोअर मेजरमेंट ऑफ अ कली कैसे करेंगे, लोअर मतलब जो घेरे पे आएगी, घेरा आपका जितना भी आप रखना चाहते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कली से और 0.5 इंचीज़ मार्जिन का रखेंगे। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो घेरा यानी कि जो लोअर मेजरमेंट है उसको हम कैसे करेंगे, हमने रखा था 140 इंचीज़ का घेरा, ठीक है, तो 140 इंचीज़ यहाँ लिखेंगे। नंबर ऑफ कली हमने कितनी लिखी थी, 14, तो 14 यहाँ रखेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आता है, 10, और 0.5 इंचेस जो हमने मार्जिन का एक्स्ट्रा रखना था वो एक्स्ट्रा इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10.5 इंचेस। मतलब कि नीचे से आपको हर एक कली की जो कटिंग करनी है वो 10.5 इंचेस पर करनी है। वेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ही अगर हम करेंगे तो वेस्ट का क्या था, वेस्ट साइज हमने रखा था 28, नंबर ऑफ कलीज अगेन 14, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 0.5 जो मार्जिन का हमने रखना है वो ऐड करेंगे, तो उसके बाद आएगा 2.5 इंचेस, ठीक है। उसके बाद कि मैडम हम यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करेंगे, दोनों को यहाँ से तो अगर शुरू कर देंगे तो फिर तो टेढ़ी हो जाएंगी कलियाँ सारी, तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, जो लोअर मेजरमेंट है मतलब जो ये वाली हमने मेजरमेंट निकाली थी घेरे की मेजरमेंट, जितनी आई थी मतलब ये आई थी हमारी 10.5 इंचेस, 10.5 इंचेस डिवाइड बाई 2 करना है, 10.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.25 इंचेस आता है। उसके बाद इसमें से हमने माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जो अपर वेस्ट आई थी हमारी, अपर वेस्ट आई थी 2.5 इंचेस, उसका जो हाफ होगा, हाफ यानी इसका हाफ क्या बनता है, 1.25 इंचेस, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से अगर माइनस करते हैं तो 4 इंचेस आता है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से इतनी ही लेनी है, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे जहाँ पे 4 इंचेस होते हैं वहाँ पे आप निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो बहुत ईजी है, इजी कैसे है, जो हमने अपर मेजरमेंट ली है अपर मेजरमेंट के हिसाब से हमारा कितना आया था, 2.5, तो यहाँ पर हम 2.5 का निशान लगाएंगे, 2.5 कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं लगा, यहाँ से जो 4 इंचेस था उसका निशान लगाइए पहले, फिर 2.5 इंचेस का यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें इस वाली साइड, इस वाली साइड हमारा जैसे हम कह सकते हैं कि घेरे का पहले हम शुरू करेंगे, तो हमारी घेरे की कितनी थी, 10.5 इंचेस, यहाँ से हम 10.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे, ठीक है, ये 10.5 इंचेस का हो गया। अब हमारा एक बार शुरू हो गया, इसको हम जो ये वाला है इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे, और इसको हम करेंगे यहाँ पे मैच। अब आपको क्या करना है कि अल्टरनेटिवली इसको लिखने हैं नंबर्स को, उसके हिसाब से आपको कटिंग करनी है। कैसे करनी है मैं बताती हूँ, यहाँ पे 10.5 लिया था, उसके बाद 2.5 था, यहाँ पे फिर 2.5 लेंगे, फिर 10.5 लेंगे, फिर 2.5 लेंगे, फिर 10.5 लेंगे, कुछ इस तरह से आप मिला लेंगे, और उसके बाद इनकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से कटिंग, यहाँ से कटिंग ऐसे, ठीक है। तो ये कितनी कलियाँ बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 इस तो हमें चाहिए थी ना। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि जो अगर आपके, ये तो रहा कि हमारे पास पर्टिकुलर हमने अपने अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है, अगर आप चाहते हैं कि घेरा जितना मर्जी बने हमारे पास बहुत कपड़ा है तो उसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, या फिर अगर आपके पास इंटरलॉकिंग की मशीन नहीं है और आपको इंटरलॉकिंग करनी है तो वो भी आपको टेक्निक बता दूंगी। अगर आपको कली वाला लहंगा नहीं बनाना है, ए लाइन लहंगा बनाना है या प्लीट्स वाला बनाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का लहंगे की कटिंग और क्या चाहिए, तो मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।